सर्वानंद सोनोवाल ने मीडिया से बात की है, वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। So that is why, like we have many like particular problem to be sorted out in the near future. So I'll work sincerely with the blessing of the people of Majuli and the people of Assam for to find out a lasting solution to it. Sir, apne 11000 putot ditlo ase, apni ki kore? Majuli rise. जी, तो सुना आपने सर्वानंद सोनोवाल को, वो अभी भी बहुत संभल कर बात कर रहे हैं। वैसे ये जैसा सचिन कह रहे थे, आपको भी लगा होगा कि बिहार के नतीजे के बाद आज खास तौर पे, क्योंकि बिहार में बड़ा उलट हो गया था, सुबह ऐसा लगा था कि ये हो गया, दोपहर होते होते कुछ और हो गया, तो उसके बाद आज बड़ा संभल संभल के लोग बात कर रहे हैं, और जब तक फाइनल नहीं आ जाता सब कुछ सामने, तब तक कुछ बोलना नहीं चाहते। मुझे लग रहा है ठीक भी कर रहे हैं ये, लेकिन और अभी थोड़ा सा आपने इशारा भी किया था कि आप मोदी जी का ट्वीट देख रहे थे कि उन्होंने सर्वानंद सोनोवाल के लिए कोई ट्वीट किया है कि नहीं, तो एक किस्म का इशारा भी था ये कि जब वो ममता से बात कर रहे हैं, ममता को बधाई दे रहे हैं, जयललिता को बधाई दे रहे हैं, और असम के मामले में अगर पीएम ऑफिस खामोश है तो एक पार्टी सुप्रीमो डिफैक्टो तो पार्टी सुप्रीमो का रोल प्ले ही कर ही रहे हैं मोदी, और उनका जो मैसेज जा रहा है उसके बाद मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है ये, और जैसे दुआ साहब ने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा उनसे कि आप जो सरकार का सरकार बनाने में किसको किसको शामिल करने जा रहे हैं, कितनी बड़ी सरकार बनाएंगे, उस विषय में उन्होंने जो है शुभकामना देते हुए उन्होंने विदाई ले ली। ये सारी बातें बता रही है कि एक तो पार्टी में नए हैं और यहाँ का अपना एक डिसिप्लिन है, और दूसरा पार्टी है। आसाम पर ट्वीट आ गया नरेंद्र मोदी का, आगे मुझे पढ़ के सुना देता हूँ, बहुत सारे लोगों को जो है इससे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि आपने सवाल उठा दिए थे जी। उन्होंने लिखा, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस के जवाब में ट्वीट आया है, टू असम बीजेपी कार्यकर्ताज एंड लीडर्स फॉर द एक्सेप्शनल विन, दिस विन इज हिस्टोरिक बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, फिनोमिनल। और दूसरा ट्वीट उन्होंने इसी पर किया है, बीजेपी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फुलफिल ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ असम एंड टेक द स्टेट्स डेवलपमेंट जर्नी टू न्यू हाइट्स। अब आप इसमें ये कह सकते हैं कि सोनोवाल का नाम नहीं लिखा, ये ढूंढ सकते हैं आप इसमें। रोहित, एक बार देखिए, ये जो उन्होंने कहा ना कि ये बीजेपी वाले बड़े ध्यान से बात कर रहे हैं, जब ये टेलीविजन में जो सारे एनालिस्ट हमारी तरह जो पैनल डिस्कशन में बैठे हैं, पहले पिछली बार और उससे पिछली बार भी हमने देखा था जब हम वैसे टीवी देख रहे थे, और अगर आप टीवी खोले और आधे घंटे के अंदर ये एनालिस्ट जो हैं कह रहे, अरे ये तो ये पार्टी जीत गई है, यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ पर इसका नेता कौन बनेगा, इस सवाल पे लोग आ जाते हैं। और मैं अपने मीडिया कॉलीग से बात करती हूँ और एक्सपर्ट से की बात करती हूँ कि हमें भी शायद ज़रा धीरज रखना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, और वेट करना चाहिए। आपने तो बिल्कुल हमारे खुद की जो फ्रटर्निटी है, हमारी खुद की जो फ्रटर्निटी है बड़ी आगे आगे भाग के ये इसका एनालिसिस करती है। और एक टीवी चैनल में मुझे ठीक याद है कि उन्होंने आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि ये पार्टी जीत होगी, और दो घंटे के बाद वो बदल गया, तो उन्होंने कहा हाँ मैं यही तो कह रहा था। पर एक चीज़ है ना, एक दिलचस्प चीज़ है दुआ साहब, कि हमारी फ्रेटर्निटी जैसा सुषमा जी ने कहा, पत्रकार तो फिर भी अपने उस पर पुनर्विचार करने को तैयार हो रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो पुनर्विचार भी करने को तैयार नहीं हो रही कि हमारी लीडरशिप फेल हो रही है, तो उसके लिए कुछ सोचे। नहीं, विचार भी नहीं कर रही, पुनर्विचार तो बाद में होता है। मैनी पार्टीज आर ऑन हॉलीडे फ्रॉम थिंकिंग। क्या उसी का नतीजा है जो लोग जेएनयू को सपोर्ट कर रहे थे आज वो गवा रहे हैं, ये खासतौर पर जो इशू पूरा हुआ और एक विषय खड़ा हुआ कि देश विरोधी नारेबाजी करने वालों का समर्थन कैसे किया जा सकता है। मामला भले ही कोर्ट में चला गया हो, लेकिन कल ही रिपोर्ट आ गई, वो वीडियोस जिनको झूठा बता के मामले को खारिज करने की कोशिश की गई, वो सीएफएसएल के लेवल में सही पाए गए, किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं। वो आपस में काफ़ी डिफरेंसेस थे परीक्षा पार्टी में, पार्टियों हर पार्टी डिवाइडेड थी उसमें, कि आप यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में जाएंगे तो फर्स्ट होंगे, और जो भी पार्टी जाती है यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में वो अपने बर्न देयर फिंगर्स ऑल पार्टीज, तो यूनिवर्सिटीज शुड बी कैप्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो दे विल बी बेटर फॉर देम, क्योंकि देश की जो राजनीति है या स्टेट्स की राजनीति है वो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलेगी, लेकिन हर पार्टी जाना चाहती है, चाहे वो कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, बीजेपी हो,
तो हर पार्टी जाना चाहती है, लेकिन उसको कहना कि वो असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करे बिल्कुल नहीं होता। एक निवेदन छोटा सा करना चाहूँगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हूँ और 5 प्राइम मिनिस्टर उस विश्वविद्यालय ने दिए, और ये लिंगदो कमीशन के बाद हम देखते हैं जो भावी नेतृत्व की फैक्ट्रियाँ थी वो किस तरह से सिक कर दी गई। आज आप देखेंगे तमाम यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से अगर आखिरी जनरेशन आप देखें तो नीतीश कुमार, लालू, ममता बनर्जी, ये सब जन आंदोलन के निकले नेताएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं पूरी पीढ़ी खाली पड़ी हुई है। पर जन आंदोलन से निकले हुए नेता राजनीति में आए, जनरल आंदोलन था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं थी उसमें। जेपी मूवमेंट को सबसे बड़ा सपोर्ट दिया था, आप तो जानते हैं, आप तो उससे बहुत वो यूनियन के थ्रू नहीं गया। आरी मोहम्मद खान भी जो रहे सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए लोग, स्टूडेंट्स यूनियंस को लेकर जेपी ने आंदोलन खड़ा नहीं किया था। लेकिन 85 के बाद हम देखते हैं, जैसे ही जो है आपका 2005 के बाद हम देखते हैं कि ये असेसमेंट था कि यूनिवर्सिटीज का जो एकेडमिक वैल्यूज है उसको स्थिर रखने के लिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कटल किया जाएगा, लेकिन कोई असेसमेंट नहीं हुआ है 15 सालों के अंदर। स्टूडेंट्स का रोल जानता हूं पॉलिटिक्स में जी, यूथ का रोल जानता हूं, नहीं यूनियन का भी रोल, यूनियन का रोल तो ज्यादातर आपस में लड़ते रहते हैं। नहीं, अब जो लिंगदो ने कहा, लिंगदो के बाद जो हम देखते हैं कि जो भावी नेतृत्व की फैक्ट्रियां थी सर, इसका तो असेसमेंट कोई डिबेट का हिस्सा नहीं, डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है कि आने वाले भविष्य का जो नेतृत्व होगा वो कहां से निकलेगा सर। लेकिन अगर आप ऐसे नेतृत्व को पॉलिश करेंगे जिसके ऊपर यह आरोप है कि वो देश तोड़ने के नारों को प्रश्रय देता है, जितने नेता है अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। अगर जेनी वाला मामला जेनी वाला इस देख रहे हैं तो मैं आपको तुरंत अपोजिट कहूंगा, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाला देखिए, मुश्किल से हफ्ते भर पहले ये काम हो रहा है कि जब ऑनलाइन परीक्षा को लेकर वहाँ चार पदाधिकारी तो आपके इसके हैं एबीवीपी के, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो घोषित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स को देखिए, वो अपने बेटों को प्रमोट कर रहे हैं दोनों को, एक को यहाँ भेजेंगे एक को वहाँ रखा है। परिवार की पॉलिटिक्स को तो आप हिंदुस्तान में परिवार की पॉलिटिक्स को लीडर है, वो भी स्टूडेंट लीडर है। एंटी डिफेक्शन लॉ की फिर वो एक अलग सवाल है। नहीं नहीं, हिंदुस्तान में सिंधु में कैसे पैदा हुआ सर? हिंदुस्तान में आप परिवार की पॉलिटिक्स को नकार सकते हैं क्या? इस पे भी आप गौर कीजिएगा, ये जो सारी चीजें आ रही है, दुआ साहब ज्यादा वहाँ करुणानिधि जीतते तो आपके पास एक और परिवार हो जाता चर्चा करने के लिए। आपकी बात से सहमत हूँ, ये दुआ साहब ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे कि जब 85 में ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था तो मधु लिमे एकमात्र जो सांसद थे इसका विरोध कर रहे थे कि ये काला कानून है, देश के लोकतंत्र को खत्म कर देगा। और हम देखते हैं 85 के बाद से लगातार पार्टी सुप्रीमो पैदा हो रहे जो परिवार के तौर पे पैदा हो रहे हैं। ठीक बात और उन्होंने अपोज किया था। इतने सालों बाद, हम करीब 26 सालों बाद लोकतंत्र का असेसमेंट इन दो जो ड्रैकोनियन लॉ है, एक एंटी डिफेक्शन लॉ और दूसरा लिंगदो, एक तरफ जो इंटरनल डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जिसने पार्टियों के अंदर, पार्टी सुप्रीमो जो पैदा हो रहे हैं, अगर दुआ साहब मैं गलत नहीं हूँ कि पार्टी सुप्रीमो पैदा होने का दौर ही जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद शुरू हो रहा है। मैं उस वक्त गैलरी में बैठा हुआ था जब मधु लिमाय ने अपोज किया था। मधु लिमाय ने जब अपोज किया था मैं गैलरी में था, उनका तो विप्स की पार्टी ज्यादा बढ़ रही है। आप सुन पा रहे हैं सर मुझे ठीक से? पीएल पुरिया साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? कोर्स से दुआ साहब रह गई है दो चीजें। हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? तो मेरा आवाज पहुंच रही है। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में सर रोहित वेमुला और कन्हैया कुमार के भी पोस्टर लगे, और खास तौर पे असम में ही ये पोस्टर लगे थे अगर आपको याद हो, उस दिन हमने चर्चा भी की थी 5 बजे के शो में और आप ही थे मेहमान, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है अगर ठीक से, तो वो पोस्टर भी नहीं बचा पाए सर, यानी कि लोगों ने उस सोच को नकार दिया। देखिए, जो रोहित वेमुला का मुद्दा था या कन्हैया कुमार का मुद्दा था, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा थे और इसको सभी राजनीतिक दलों ने उसको उठाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको मिसहैंडल किया। रोहित वेमुला के केस में मैं तो स्वयं भी वहाँ पर गया था, और उस जो रिसर्च फेलो जिस तरह से संघर्ष कर रहा था, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, चाहे वो दिल्ली से दबाव में हो या वैसे हो वहाँ के स्थानीय नेताओं से हो, उनको बाध्य होना पड़ा आत्महत्या करने के। वो अगर ऐसे मुद्दे हैं और उसे सरकार का और पार्टी का विशेष के दबाव में अगर वो हुआ है तो वो तो अहम मुद्दा था। तो मुद्दे तो बहुत से थे सर, आसाम की जो आप बात कर रहे हैं, हम 3 टर्म 15 साल तक तरुण गोगोई जी ने वहाँ के जनता की सेवा की, लेकिन अगर आज निर्णय किया कि नहीं वो काफ़ी हो गया और भारतीय जनता पार्टी को इसमें मौका दिया जाए, तो हम तो उसमें बधाई दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, चलिए जनादेश मिला है
और सरकार बनेगी, वहाँ के जनता के हित में काम करेंगे, ये हमारे यहाँ अपेक्षा है। तो इसलिए कोई मुद्दा चुनाव के दौरान में उठाया तो वो कोई गलत नहीं किया नहीं, था। नहीं सर, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था सर। और ये मुद्दा इसके सर मेरा सवाल कुछ और था मेरा सवाल ये था, संबित पात्रा आ गए हमारे साथ बीजेपी से, स्वागत है डॉक्टर पात्रा आपका। संबित पात्रा आपको बता दूं पार्टी के प्रवक्ता है बीजेपी के और वैसे पेशे से सर्जन है, डॉक्टर है। संबित पात्रा खुश है काफी आज दिख रहा है, हालांकि आमतौर पर भी खुशी रहते हैं। लेकिन संबित पात्रा मेरा सवाल ये था कि असम चुनाव में खासतौर पर पोस्टर लगा जिसपे रोहित वेमुला और कन्हैया कुमार की फोटो लगाई कांग्रेस ने, राहुल गांधी खुद कन्हैया के साथ जाके खड़े हुए जेएनयू कैंपस के अंदर, रोहित वेमुला के लिए पुनिया साहब बता ही रहे हैं कि वो हैदराबाद तक गए थे। सर इतने बड़े बड़े नेता जिन लड़कों के साथ खड़े हुए और उनकी फोटो ने पोस्टर पे राहुल गांधी की फोटो को रिप्लेस किया, अगर फिर भी कांग्रेस पार्टी नकारी जा रही है तो क्या ये नहीं माना जाए कि लोगों ने उन दोनों को नकारा है जिनकी तस्वीर लगाई गई थी? इसमें तो रोहित जी कोई शक नहीं है। आप देखिए आखिर चाहे रोहित वेमुला का हो, चाहे कन्हैया का हो, चाहे इनका साथ राहुल गांधी ने क्यों लिया, इन दोनों का साथ इसलिए लिया क्योंकि अकेले के दम पर राहुल गांधी सक्षम नहीं थे। जो व्यक्ति अकेले के दम पर सक्षम होता है कि मैं अपने पार्टी को लीडरशिप दे सकता हूं, मैं अपने पार्टी को आगे बढ़ा सकता हूं, उसे किसी प्रकार की बाहरी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। देखिए आज जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, बड़े हम्बली, मैं खुश तो हूं मगर हम्बल। पात्रा जी थोड़ा सा रुक रहा हूं, ममता बनर्जी आई हैं घर से बाहर जी, उम्मीद कर रहे हैं वो मीडिया से बात करेंगी। आज तो अच्छा दिन है, खुशी का दिन है, अच्छे मूड में बात करेंगी, अक्सर डांट भी देती हैं, वरना सुनवाने की कोशिश करते हैं क्या कह रही हैं। अभी अभी मीडिया से वो औपचारिक बातचीत नहीं कर रही हैं, अभी केवल हालचाल पूछ रही हैं, जो लोग बाहर उनके कार्यकर्ता परिवार के लोग साथी सहयोगी मौजूद हैं, इसलिए कैमरा ऑडियो नहीं दिया गया। डेरेक ओब्रायन उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं, साथ खड़े हुए हैं, और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आज विक्ट्री साइन बना रहे हैं, हाथ से वी का साइन बना रहे हैं, गुलाल खेला गया है और टीएमसी के रंग का ही गुलाल लगाते हैं, हरे रंग का, और वहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा था घर के बाहर भी। और ये अब ममता बनर्जी सुबह से पहली बार कैमरों के सामने आई हैं, अब उनको विश्वास हो गया है कि अब जो स्थिति दिख रही है वो नहीं बदलेगी, कम से कम टीवी पर अब आंकड़े जो आ रहे हैं वो परमानेंट आंकड़े हैं, ये रिजल्ट में तब्दील होंगे, इनमें कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं होगा, इसके बाद वो बाहर निकल आई हैं। वैसे भी जब वोटिंग मशीन से काउंटिंग होती है तो 2 से 3 घंटे लगते हैं स्थिति साफ होने में, 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई थी, अब 11:40 हो रहे हैं लगभग, तो करीब 3.5 घंटे हो चुके हैं, 4.25 घंटे। लेकिन उनको पावर घंटों से नहीं, 5 साल के लिए मिली है पावर घंटों के लिए, 5 साल के लिए मिली है। तो ये तस्वीरें ममता बनर्जी की देख रहे थे आप, तो पात्रा जी आप बात पूरी कर सकते हैं, ममता जी ने बात नहीं की है मीडिया से अभी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है मुझे बताया गया किसी भी समय, तब हम लाइव चलेंगे उस पर, आप बोलिए अपनी बात। देखिए मैं यही कह रहा था कि आज जो चुनाव हुए हैं उससे कुछ बातें जो हमें हासिल करनी चाहिए, नंबर एक कि आज के चुनाव के बाद हम कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि कांग्रेस इज द न्यू रीजनल, मतलब आज वो एक रीजनल पार्टी के रूप में आ गई है, एंड भारतीय जनता पार्टी हैज बिकम बिगर अ नेशनल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता था कि ये काऊ बेल्ट की पार्टी है, ये नॉर्थ इंडियन की पार्टी है, मगर आज केरला में, तमिलनाडु में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इनरोड बनाया है, इट हैज बिकम मोर बिगर अ नेशनल पार्टी और कांग्रेस एक रीजनल पार्टी बनी है। दूसरी बात मैं असम के संदर्भ में कहना चाहूंगा, देखिए तरुण गोगोई जिस प्रकार से अपने बेटे गौरव गोगोई को प्रोजेक्ट करना चाहते थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोनिया गांधी सभी ऑड्स के खिलाफ राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, मेरा कहना है कि इसमें मैं इतना ही एडवाइस दूंगा कि इफ यू वांट द सनराइज ऑफ योर पार्टी, सन मतलब SUN, सनराइज ऑफ योर पार्टी, प्लीज फॉरगेट अबाउट द सनराइज, SON सनराइज, आइदर आप उस सन के बारे में सोचिए या इस सन के बारे में सोचिए। अगर आप अपने बेटों के बारे में ही सोचते रह जाएंगे, एक बच्चे के बारे में ही सोचते रह जाएंगे, तो याद रखिए जो करोड़ों बच्चे आपकी प्रजा हैं वो आपको माफ नहीं करने वाले हैं, यही तरुण गोगोई के लिए भी और यही सोनिया जी के लिए बहुत बड़ा लेसन है। तीसरी बात, आप देखिए चंद दिनों पहले रॉबर्ट वाड्रा सामने आते हैं, वो एक इंटरव्यू देते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं, उनके पोस्टर और होर्डिंग भी लगते हैं, और 2 दिन पहले JDU कहती है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका को भेजिएगा, राहुल गांधी को मत भेजिएगा, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। खैर हम तो चाहते हैं राहुल जी और आगे बढ़ें, वो उनके पार्टी का कमान भी संभाले और अध्यक्ष भी बने हैं, हमें तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, इस बात में तो मैं सहमत हूँ पुनिया जी से भी, मगर कहीं ना कहीं एक वैक्यूम कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के लोग महसूस कर रहे हैं, इस प्रकार की जो घटनाएँ हो रही है ये इसका परिचायक है।